शहर के एक निजी कोचिंग संस्थान के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। रात के समय गंभीर हालत में छात्र को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज हमीरपुर पहुंचाया गया। बताया गया कि छात्र ने पीजी भवन की तीसरी मंजिल से छलांग लगाई है। हालांकि परिजनों का आरोप है कि उनके बेटे के शरीर से एक बूंद खून नहीं बहा है। परिजनों ने आरोप लगाया कि उनका बेटा बताता था कि खाना सही नहीं मिलता है, भोजन को लेकर उसके साथ मारपीट की गई है। रविवार देर रात को उन्हें फोन आया कि बेटे ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी है। परिजनों ने बताया कि पीजी प्रबंधन की तरफ से भी अलग अलग बातें कही जा रही हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। परिजन पुलिस थाना में पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मम्मी को फोन किया 11:47 पर, ठीक है जी, 13 सेकंड बात हुई हमारी, उसके बाद कोई बात नहीं, इसका फोन बंद हो गया। और मैंने जो पीजी में एक लड़का है, यहाँ इनका वार्डन है, कौन है, मैंने उसको फोन किया तो उसने बोला कि मैं जाता हूँ, पर वो थर्ड फ्लोर में 2 मिनट में पहुँच गया। उसने बोला कि बेटा है नहीं अंदर, यहाँ पे मेरे को आवाज़ सुनाई थी नीचे, ऐसा बोला इसने मेरे। अब यहाँ पे आके क्या स्टेटमेंट दे रहा है कि जब मैं ऊपर पहुँचा तो बच्चे ने फोन दीवार पे मारा। अब इसको बच्चा नहीं दिखा, कहीं नहीं फोन दिखा इसको, बच्चा कहाँ गया? और बच्चा सर तीसरी ये जो इनकी स्टेटमेंट है कि छलांग लगाई है बच्चे ने, लगाई है कि इन्होंने धक्का दिया, क्या पता, ये इनको पता होगा। लेकिन बच्चे से कहीं से कहीं ब्लड तो निकलना था, तीसरी मंजिल से गिरा बाजू के चार टुकड़े हो गए थे, नीचे ब्लड नहीं पड़ना था, टांगे फ्रैक्चर है, गर्दन फ्रैक्चर है, कमर फ्रैक्चर थी, तो ब्लड कहाँ गया? तीसरी मंजिल से ब्लड नहीं निकलेगा बच्चे के, कहीं लगेगी नहीं चोट उसको। आपकी लास्ट टाइम कब बात हुई बेटे? 11:47 अपनी मम्मी को फोन किया, उसके बाद हम उसको फोन करते रहे, फोन बंद। फिर मैंने जो वार्डन है उसको फोन किया, उसने बोला कि ऐसे ऐसे नीचे पड़ा हुआ है। मैंने बोला क्या कंडीशन है, तो उसने बोला कि मेरे को बोला सोने दो। मैंने बोला उसको उठाओ और हॉस्पिटल लेके जाओ, हॉस्पिटल यही लेके आए हैं। उसको फोन नहीं कर सकते थे क्या? वो पेरेंट्स को बता नहीं सकते कि आपके बच्चे ये चीज़ है? बट उन्होंने कोई चीज़ बच्चे ने अपने पेरेंट्स को फोन करके किया कि मेरे को ये पहले भी पीटते हैं और आज भी इन्होंने मेरे को पीटा हुआ है, और कोई भी खाने के पीछे जो है सारी घटना घट रही है ये, और खाने के पीछे बच्चे ने बात कही कि आपका खाना सही नहीं है, वो रिकॉर्डिंग पड़ी है उसके पापा के पास, वो रिकॉर्डिंग है, और जो खाने के खाते जो उन्होंने ये बात कही तो फिर खाना सही दो आप, पैसा देते हैं हम लोग, तो उन्होंने उसको पीटना जो है शुरू कर दिया। आफ्टर देन जो ये घटना घटी, और उसके बाद उसके बच्चे की जैसे बच्चे के पिता ने ये बताया कि जो बात उन्होंने पहले एक्सेप्ट की कि जो पीजी का ऑनर है उसने ये बात एक्सेप्ट की कि मैं तीसरी मंजिल से ग्राउंड फ्लोर में नीचे था कि मेरे को फ़ोन की आवाज़ आई। जब उस बंदे को फ़ोन की आवाज़ आ रही है उसके बाद ही, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट उसकी आती है कि मैंने जो है ऊपर से उसकी छलांग लगाते हुए देखा। बंदे की 2 स्टेटमेंट आ रही है, जो पीजी का ऑनर है उसकी 2 स्टेटमेंट आ रही है। इट मीन कि जो भी घटना घटी है वो पीजी ऑनर के माध्यम से घटी है, और हम आज इस प्रकरण में पीजी ऑनर को जो पूर्ण रूप से जो सजा दिला के रहेंगे, अदरवाइज हम डेड बॉडी को यहाँ से लेके नहीं जाएंगे। जब तक उसको हमें न्याय नहीं मिलता, बच्चे के साथ न्याय नहीं होता तब तक हम उसको नहीं छोड़ेंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से सुरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।